खावे न करब आज जब पाई संजवा ताई पैया लौटी नहीं। अरे बिटिया जब तू ही ना खाबू तो मऊ कहां खावे तोरे साथ। चलो आज ना खावा जो रोटी धरी आ दे जब छगड़िन का। अब भैया गाह पूरी बांध के लौबे करी भाई। हां तू हमेशा जब देखा तब बाबूजी के गम रोवत रहा तो भैया के सामने। देखा अब भैया जवान हो गया है खुदे कमाई के लिए है अब सारा दुख दूर हो गया। चलो ठीक है ना चल। करा के लाए और आज हमारी सुहाग रात है। हम चाहते हैं अपने बीबी के संग आज सुहाग रात मनाएं और खुशियां। स्वामी जी हाँ प्रिय बोलो भगवान सदा खुश रखे। तो आज बड़ा खुशी का दिन है तो पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? इस नगर में थोड़ा सा डर भी बना रहता है इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। और क्योंकि ठाकुर का यहाँ पर दबदबा है। क्या चीज कह रहे हैं? क्योंकि जिसकी नई दुल्हन आती है ठाकुर अपनी हवेली पर उठवा लेता है। क्या इसलिए मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकल लें। ठीक है स्वामी जी चल के घर पर अपने सुहाग रात मनाते हैं। तो प्यारी बहुत क्या कहना चाहते हैं? सामू अच्छा ठाकुर साहब क्या बात? वाह गजब दुल्हन लाया है रे ठाकुर साहब। सेमू सुन मेरी बात को सुन तो ध्यान से बात। सेमू हमारी सुनो ध्यान से बात। सामू ध्यान से बात सामू हमारी सुनो। आज पैगाम ठाकुर कलाया हूँ मैं अपनी बीबी पठा दो। सुन रहे हो मेरी बात को? अपनी बीबी पठा दो मेरे साथ में लेने खातिर इसे आज आया हूँ। श्याम अपनी बीबी पठा दो मेरे साथ में लेने खातिर आज इसे आया हूँ मैं। ठाकुर साहब ये कत्ता ही नहीं हो सकता कि मैं अपनी बीबी आपके साथ भेज दूँ। अरे अरे साले लौंडे सुनो जब तो अपनी रैयत के संग कत्ते गद्दारी तुम अपने रैयत तुम दिल में सोच
ना किया और गाँव भर की लगे बहुए सुनो गाँव भर की लगे ये बहुओ सुनो नदी है नहीं है कुछ भी फिकर अरे श्यामू ठाकुर साहब ये आपकी पूरे गांव भर की बहू लगती है तो आप क्यों इस तरह कह रहे हैं कि हवेली पर भेज दो ठाकुर साहब के पास एक तत्ता ही नहीं हो सकता। अच्छा तो तू उपदेश मुझे सिखा रहा है? नहीं ठाकुर साहब मैं कोई आपको उपदेश नहीं मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ मैं आपको उपदेश दे ही नहीं सकता ठाकुर साहब। अच्छा ये बता श्यामू जब गांव घर की बहन बेटिया गांव घर की बहू मेरी बहन बेटियां सबको मैं समझूंगा तो क्या गंगा घाट पे हम राम राम करेंगे? क्या हम गरीबों की ही बहन बेटियां मिलती हैं अमीरों के बहन बेटियों को क्यों नहीं उठाते हो? अरे चुप 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 ससुर के नाते अरे चल इधर इसे समझा दे हम कौन ठाकुर हैं कौन नहीं कटोरी हो ए लौंडे बोल लौंडा ही ना करो लौंडा ही ना करो देखा तो हमारे लम्बरदार का गुस्सा से लाल भी मोग रहे हैं तो हम क्या करें? हमारे बड़े ठाकुर का कहना ये है पूरा इलाका पूरी रियासत उनका कहना मान रही है अरे तो साले तुमका मानने में का दिक्कत है? जब जो कोई बहुत पहले मान रहा होगा हम नहीं मानेंगे अब देखो लौंडा ही बता दे कि हम रंगबाजों में रंगबाजी ठाकुर हैं है बता दे हमें पता है छत्री हो और हटा दे मैं देखो परेशान ना हो ये हमारे जो ठाकुर है ना एकदम पेवर पेवर एकदम निर्बंधी ठाकुर हाँ। क्या बोला रे हम निर्बंशी ठाकुर हैं अरे हम राजवंशी ठाकुर हैं ऐसे बोलो और समझा दो अरे रंगबाजों में रंगबाज है हमारे ठाकुर अब पठा दियो बेटा मनई मनई के लड़का हो जाओ ऐसे नहीं मानेगा ऐसे हम सुन मेरी बात को बोलो तो लेने उपदेश तेरा मैं आया नहीं लेने उपदेश तेरा मैं आया नहीं सखुन तू सिखाता मुझे अपनी बीबी पठा दे मेरे साथी में वरना हम तक ठाकुर साहब चाहे मेरे बदन से एक एक कतरा निकाल कर फेंक दो मगर मैं अपनी बीवी को कतई ही तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता मैं जानता हूं तुम ठाकुर बड़े लोग एक गरीब इंसान के बहन बेटियों के साथ इज्जत कर अरे चुप जब गरीब है तो पैदा कहे को अरे लगा हाथ कर मैं गरीब जरूर हूं ठाकुर साहब लगा हाथ कर मगर गलीज नहीं हूं साले मैं अपने बीवी को कतई ही तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता खंभे में बांध कर साले उल्टा करके 300 लठ मारूंगा क्या रे बाबू हमारी गलती नहीं ना ये हमारी गलती यही है कि हम गौ को मारे लागी थी ना अच्छा हमारे रतौंधे पे ले लागा था अच्छा इतना तेज गुस्सा लगता है कि तुझे दिखाई नहीं बांध दे खंभे में एक कत्ता ही नहीं हो सकता आप बांध दे खंभे में बांध दे हरामजादे को कत्ता
कैंची में कैंची, ज्यादा तुम लौंडा ही करत रहो ना। अरे सामू बोलो, अपनी दुल्हन को मेरे साथ भेजेगा या नहीं? कतई नहीं। साले भी चौराहे पर नंगा करके मारूंगा। कुछ भी कर लो, ऐसी मार मारूंगा कि जिस तन से पैदा हुआ उस तन को बहुत तकलीफ होगा। ठाकुर साहब, नहीं बाजरा कुछ समझ मेरे, नहीं बाजरा कुछ समझ मेरे आता, और जो श्याम हो को इस तार से तू आता। तो खता क्या है इसकी बता जल्द दीजे, खता क्या है इसकी बता जल्द दीजे, और ना आंखों से ये जुल्म है देखो, खबरदार अगर एक भी हंटर चला तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तू कहां से आ गया रे साले? उतारूंगा जूता, मारना शुरू कर दूंगा, तुम्हारे सर में बारीक नहीं रहेगा। अच्छा, इतना बारीक में कि हमारे सर में बाल नहीं बचेगा। अरे सुन मेरी बात को, और जहां तुझको जाना चला क्यों न जाता, जहां तुझको जाना चला क्यों न जाता, और मेरे बीच में तू टांग आता, मेरे बीच में तू छोकरे मेरे बीच में टांग क्यों अड़ा रहा? बोल क्या नाम है तेरा, कहां से? ये देख सारे डेढ़ फुट का कैसा है, इधर आ लंबू, चल पीछे हट। सबसे पहले मैं जानूंगा कि इनकी खाता क्या है। इनकी खाता जानना चाहता है तो पूछ ले इससे। पूछ लेता हूँ, चल पूछ ले, चल पीछे हट। साले हड़का के बात करोगे तो उतार। अभी हम प्यार से समझा रहे हैं, नहीं तो हम बहुत बेकार इंसान है, देख रहे हो बात। अरे हे 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 लौंडे, नया खून है कारे उबाल मार रहा है, अभी पता चल जाएगा। पहले मैं जान तो लूं कि इनकी गलती क्या है। हाँ, भैया श्यामू पूछ ले श्यामू से। भैया श्यामू, हाँ सुन, मैं जो तुमसे पूछूं सच सच बताना, बता जल्दी बता। और तो खता क्या तुम्हारी है ऐ भाई बताओ, खता क्या, खता क्या तुम्हारी है ऐ भाई बताओ, और नहीं मार तुम इनके कोड़ों की खाओ। सोनू भैया तुम्हारी ऐसी कौन सी गलती है? अरे नहीं कुछ खता सोनो भैया हमारी, अरे नहीं आज दुल्हन बनने आई,
लेने आया। इसको लेने के लिए बड़े ठाकुर साहब ने धर्म को भेजा है कि श्यामू की बीवी को ले आओ, उसी के लिए आज लेने को आया। इसी से परे छोड़ो के मार भैया सोनू, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बीवी को जबरदस्ती ले जा रहा था, मैंने इसको मना किया तो हमें कोड़ों की बरसात करने लगा। बस बस मेरे भाई, अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब इसे मैं बताऊंगा कि किस तरह से दुल्हन जबरन ले जाया जाता है। आप आओ इधर। क्यों रे धर्मुआ? अरे चिरकुटा ही नहीं, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो बस। क्या तू पूछ रहा है? क्या तू श्यामू भैया की दुल्हन को जबरदस्ती लेने आया है? क्या तूने ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का ऐलान नहीं सुना है? उनके सुना है कि उनके रियासत में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? नहीं सुना ना? अपने इस गांव में जिसकी नई नवेली दुल्हन आती है वो पहली रात ठाकुर की हवेली पर जाएगी, उसके बाद वो अपने घर जाएगी, अन्यथा उसकी दुल्हन ठाकुर की हवेली पर ना पहुंची ना तो उसके लिए उसका अंजाम क्या होगा? उसके लिए सजाए मौत। क्या हो रे? ए धर्मो, एक बात कान खोल कर सुन ले। साले ऐठा ऐठा फिरोगे तो पनहिया उतारूंगा। अरे तो सीधे, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो और मान सम्मान चाहते हो तो कान खोल कर सुन लो। अरे हमारे मान सम्मान का कौन ऐसी कमी है? तो सीधे यहाँ से जा चला, अबे तू धर्म चुपता, अरे तो भरना और तेरे काल पर मैं खानुचार। सुनो बात को ध्यान, तो बात को ध्यान से तो मेरी धर्मो सुनो, तो जाएगी आज से कोई औरत नहीं, ना चलेगा नियम भंग हो जाएगा और ज्यादा दिन तक चलेगी हुकूमत नहीं। तो सुन मेरी बात को, जा तू यहां से चला, ले कहना मेरा मान, इसके बदले में वरना ले लूं तेरी जान। धर्मो, ऐसा लगता है कि तुम बिना इज्जत करवाए नहीं जाओगे। हे हे, मैं कहता हूं कि तुम यहां से जाओगे या नहीं जाओगे? जाऊंगा, लेकिन हम श्यामू की दुल्हन को अपने साथ लेके जाऊंगा। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो उसे ले जाने की बात तो दूर, उसे हाथ लगा कर दिखाओ तो मैं बताऊं तेरा क्या हाल कर। अरे सुनवा, तब किसका पिया हूँ? इधर आ, इधर आ, चल 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 इधर आ। डब्बा का पिया है ना, डब्बा का। क्या मैं डब्बा का दूध पी करके इतना बड़ा हुआ? चेचिस बता रही है। इधर आ, इधर आ। हम दूध पीने कहाँ जा रहे थे तुझे ये नहीं पता है?
हम दूध पीने कहाँ जाते अरे हम कहाँ पता रही।